डीबीके न्यूज बेमिसाल 4 साल। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के किसी न किसी बहाने से दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा युवा मोर्चा के युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को जमकर निशाने पर लिया। इसके साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आह्वान भी किया। ठाकुर ने महिला हिंसा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। कोलायत से खबर, जहां विधानसभा संयोजक नरेंद्र सिंह भाटी ने भाजपा मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। भाटी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को फेल बताया। भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बिजली पानी की समस्या सहित अपराध बढ़ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नरेंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस सरकार का फेल कार्ड के रूप में एक पंपलेट भी वितरित किया। हमारे माध्यम से हर घर घर पहुंचाने का प्रयास हुआ। इसमें भ्रष्टाचार खुलेआम, अपराध बेलगाम, बदहाल किसान, बहन बेटियों का अपमान, रुका विकास, जनजन परेशान, पेपर लीक से युवा परेशान, दलित आदिवासी का लूटता स्वाभिमान, तुष्टिकरण से चीनी आन, नहीं सहेगा राजस्थान, इस पर इन्होंने एक पूरी प्रक्रिया से लागू करी। फिर इन्होंने एक वहाँ पर कैंप्स लगाए, जो हमने एक आपके मंचों के माध्यम से हमने पहुँचाया भी, वो कैंप लगाए हमने कोलायत में लगाया। उस पर हमने एक रिपोर्ट कार्ड दी, हमने FIR करवाई। आपको विश्वास नहीं होगा, एक पूरी बुकलेट हमारी वहाँ प्रदेश से पहुँच चुकी है और एक बुकलेट अभी मेरी गाड़ी पड़ी है, जिसमें 8-10 एक हमने बाने गाँव में करवाई थी। इसमें हर प्रकार की समस्याओं पर फेल पे ज़्यादा से ज़्यादा मामला आया कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है, लाइट का, बिजली का लेकर बहुत बड़ी समस्या हो रही है, किसानों को बहुत लेकर समस्या, पेपर लेकर बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जोधपुर में इसरो द्वारा चंद्रयान चांद पर भेजने को लेकर आज सुरक्षित चंद्रयान चांद पर लैंडिंग के बाद जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूना खेड़ापति मंदिर में जश्न मनाया। वहीं इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत नारायण चौधरी जोशी ने बताया कि 2019 में जिस वक्त चंद्रयान को चांद पर भेजा था, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग न होने के कारण वैज्ञानिक निराश हो गए थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हुए गले लगाया था और कहा था कि आप लोग प्रयास करें और मैं आप लोगों के साथ हूं। इस तरह भारत का मोदी ने उनको गले लगाया और कहा मैं आपके साथ जाता है। कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ पाया है आप लोगों का। मुझे हौसला जो देख के ये विश्वास है कि आने वाले एक दिन हम चांद पे हम पांव रखेंगे, और ये मोदी जी की ताकत थी, मोदी जी का वो विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। आज हम चांद के उस हिस्से में उतरे हैं जो विश्व समुदाय कभी नहीं उतर पाया। ये देश की सबसे बड़ी जीत है, ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी के विश्वास की जीत है। मैं पूरे देशवासियों की ओर से वैज्ञानिकों को सैल्यूट करता हूँ और मोदी जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात और दोहराता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है। सांचौर से खबर, जहां जिले की महिलाओं ने जश्न मनाया। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से भारत का स्पेस पावर के रूप में उभरा है, तो वहीं इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद कई ऊंचा हो गया। देशवासी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, इसके साथ ही उनकी काम की जमकर सराहना कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा देश चंद्रयान पर सफल लैंडिंग करेगा, और आज सफल लैंडिंग करके हमारे देश ने सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम कमाया है। मैं इसके लिए इसरो को
और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। खबर मकराना से, जहां कायम खानी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर मकराना बोरावड़ कायम खानी समाज के लोगों ने बुधवार को मकराना उपखंड अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रदेश में निवास करने वाले कायम खानी समाज ने समय समय पर अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समाज के वीरों ने प्रमुख रूप से देश की सेनाओं का नेतृत्व भी किया है। सामाजिक तौर पर हमारी जो कायम खानी कौम है वो शुरू से ही बहुत सशक्त, बहादुर और देश और प्रदेश और जनता के प्रति वफादार रही है। वक्त के साथ में इस कौम में बहुत सी जो ज़रूरत और आवश्यकता थी उनमें कमी आई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कायम खानी कौम के लिए सरकार अपने स्तर पर एक संगठन बना करके, अपने स्तर पर एक बोर्ड बना करके इस कौम को लाभान्वित करे और इस कौम का पूरा उपयोग देश प्रदेश और सभी समाज के लिए और अच्छी तरह से कर सके। और हम चाहते हैं कि ऐसे किसी बोर्ड का गठन करके जिसमें इस समाज का विकास हो सके और यह प्रदेश को वो सेवाएं उसी अंदाज में दे सके जो शुरू से आज़ादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध में। मकराना से खबर, जहां वसुंधरा नगर की प्रकाश डोसी ने बताया कि आज सकल दिगंबर जैन समाज मकराना की ओर से मोक्ष सप्तमी बुधवार को चिंतामणि श्री 1008 पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर वसुंधरा नगर मकराना में पारंपरिक रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत कलश अभिषेक किया गया व शांति धारा पूजा पाठ आरती किए जाने के बाद श्री जी को लड्डू भी चढ़ाए गए। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस